आज हम लोग बनाएंगे बर्गर, लेकिन ये मैं ब्रेड से नहीं बनाऊंगी, ये कुछ नया ट्विस्ट लेके आई हूँ मैं, तो आप पूरा वीडियो एंड तक देखना। यम्मी कुक में आपका स्वागत है, मैं हूँ छाया। वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 कप राइस लिया है, ये मैं इडली से बनाऊंगी, तो पहले इडली का गोल कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी। तो 3 कप राइस लिया है, उसके साथ मैंने 1 कप उड़द दाल लिया है। इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके धो लेना है, तो 3 से 4 पानी से हमको धोना है इसको अच्छे से। तो ये मैंने 3 से 4 पानी से धो लिया है, अभी इसको ढक के 5 से 7 घंटे हम रहने देंगे। अभी ये 5 से 6 घंटे हो गए हैं, हम चेक करते हैं, तो हमारी दाल और चावल दोनों भीग गए हैं अच्छे से। अभी इसको हम पीस लेंगे, तो मिक्सी जार लेंगे, उसमें सारा दाल चावल दोनों डाल देंगे और अच्छे से एकदम फाइन पेस्ट बनानी है हमको। तो ये सारा हम इसके अंदर डाल देंगे, इसमें हमको ज़्यादा पानी नहीं लेना है, हम लास्ट में 2 चम्मच ही लेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसमें। अभी इसको बंद करके हम पीस लेंगे, तो ये मैंने पीस लिया है, एकदम स्मूथ मैंने पेस्ट बनाई है और एकदम ठीक बनाई है, तो ऐसा ही गोल हमको इसके लिए चाहिए, इडली के लिए। अभी दूसरा भी ऐसे ही पीस लेंगे, तो मैंने दोनों पीस लिया है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे, इसके अंदर हम लोग 1 टेबलस्पून दही डालेंगे, ताकि एकदम गोल हमारा बढ़िया सा बनेगा, इडली एकदम सॉफ्ट बनेगी। और इसके साथ एक ऐसा डालेंगे जिससे बहुत ही अच्छा हमारा गोल बनेगा। तो यहाँ पे हम पोहा लेंगे, उसको 5 मिनट के लिए भिगो देंगे और उसके अंदर डाल देंगे, तो ये हमारा गोल बहुत ही अच्छा बनेगा और आपकी इडली भी बहुत ही अच्छी एकदम सॉफ्ट बनेगी। अभी इसके बाद इसको ढक के हम 8 से 10 घंटा हम रखेंगे, लेकिन मौसम ऐसा है तो हम थोड़ा ज़्यादा रखेंगे। अभी यहाँ पे मैंने रात को भिगो दिया था और सुबह में मैंने देखा, तो एकदम बढ़िया से हमारा गोल रेडी हो गया है। तो करीब मेरा 12 से 15 घंटा हो गया है, तब जाके हमारा गोल एकदम बढ़िया हुआ है, तो मौसम के हिसाब से हम रख सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे, तो स्टीमर लिया है, ये मैंने टपरवेयर का है, अगर आपके पास दूसरा स्टीमर है तो वो भी रख सकते हो। यहाँ पे हम 4 कटोरी लेंगे, क्योंकि हमको थोड़ी बड़ी इडली बनानी है, उसमें से हम बर्गर बनाने वाले हैं, इसलिए उसके अंदर हम ऑयल लगा देंगे अच्छे से सब जगह पे। उसके बाद हमने जो गोल बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे, तो करीब हम 1.25 से 1.5 चम्मच डाल देंगे इसके अंदर। हमको थोड़ा बड़ा सा इडली बनानी है, क्योंकि हमको बर्गर इसमें से ही बनाना है। अभी स्टीमर में हम रख देंगे, तो मैंने पहले से ही स्टीमर गरम करने के लिए रख दिया था, उसको ढक के हम 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। तो ये अभी 10 से 12 मिनट हो गई है, अभी इसको चेक करेंगे, तो हम टूथपिक डाल के चेक करेंगे, तो एकदम साफ आ रही है स्टिक, तो एकदम क्लीन है, सब इडली में ऐसे ही चेक करेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग इसके अंदर आलू की टिक्की बनाएंगे, तो हमने 7 से 8 आलू लिया है, उसके बाद इसको मैश कर दिया है, तो मैंने बॉईल करके ही रखा था, उसको मैश कर देंगे अच्छे से। सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हम लहसुन और मिर्ची की पेस्ट ले लेंगे, 1 टेबलस्पून हम ओरेगानो डाल देंगे, 1 टेबलस्पून हम चिली फ्लेक्स ले लेंगे, 1 टेबलस्पून हम आमचूर पाउडर ले लेंगे, आधी टीस्पून हम गरम मसाला डाल देंगे और ढेर सारी धनिया डाल देंगे। धनिया डालेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो धनिया के बिना हमारा खाना अधूरा होता है, तो धनिया ज़रूर से ऐड करना। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसके हम गोल गोल टिक्कियाँ बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसकी टिक्की हम बना के इसमें डालेंगे तो कितना बढ़िया लगेगा। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक करना, ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, कमेंट करना और फ्रेंड के साथ शेयर करना। ये मैंने 4 इडली बना के रेडी कर दी है। अभी एक तवा ले लेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून हम ऑयल डाल देंगे और उसके अंदर हम टिक्की को फ्राई करेंगे, तो हम सैलो फ्राई करेंगे, तो वैसे ही हम सारी टिक्कियाँ रख देंगे इसके अंदर।
एकदम बढ़िया हमारा बर्गर बनेगा। ये ब्रेड खाते हैं तो बच्चे को नुकसान करता है, लेकिन ये हेल्दी है और आप बच्चे को आसान तरीके से ये बना के खिला सकते हो फ्रेंड्स। और अभी स्कूल में जा रहे हैं बच्चे, तो नाश्ते में भी ये बना के दे सकते हो। अभी इसको हम घुमा देंगे, उसके बाद वापस हम ऑयल डालेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ हम उसको फ्राई करने देंगे। तो ये हमारी टिकिया रेडी हो गई है, इसको हम निकाल देंगे। तो एकदम बढ़िया हमारी टिक्की हो गई है रेडी। अभी हमारी इडली ठंडी हो गई है तो उसको भी देख लेंगे। तो उसको चप्पू की मदद से हम साइड से निकाल देंगे और उसके बाद हम लोग एक प्लेट ले लेंगे तो उसमें सारी इडली निकाल देंगे। तो वैसे ही हम सारी इडली निकाल देंगे, उसके बाद बीच में से हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 बर्गर बनाएंगे, यहाँ पे बीच में से मैं कटिंग कर दूंगी, इसीलिए मैंने कटोरी में आज इडली रखी है ताकि एकदम बढ़िया से हमारी इडली का बड़ा हमको चाहिए इडली, इसीलिए। उसके बाद बीच में से अच्छे से धीरे से कटिंग करना है हमको, ध्यान रखना अच्छे से कटिंग होना चाहिए। तो ये सारे मैंने कटिंग कर दिए हैं। अभी इसके ऊपर हम मेयोनीज और सिजवान चटनी वाला सॉस मैंने रेडी किया है, वो अच्छे से लगा देंगे। जैसे हम बर्गर खाते हैं उसमें भी वैसे ही मैं फिलिंग करूँगी इसमें। तो ये मैंने सारी इडली में हमारा जो मेयोनीज वाला है वो लगा दिया है। अब एक टिक्की लेंगे और एक इडली के ऊपर डालेंगे और दूसरी उसके ऊपर रख देंगे। तो वैसे ही हम दूसरी भी टिक्की लेंगे और दूसरा इडली है वो इसके ऊपर रख देंगे। तो ऐसे ही हम बर्गर बनाएंगे, बहुत ही अच्छा लगेगा सच में, बहुत ही मस्त टेस्ट आता है, आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना। अभी एक तवा लेंगे हम लोग, उसके ऊपर मैं एक चम्मच बटर डाल दूँगी। तो यहाँ पे हम बटर डालेंगे, उसके बाद हमारा जो बर्गर बनाया है वो इसके ऊपर रख देंगे। दूसरा एक टेबल स्पून हम डाल देंगे बटर, दूसरी इडली रख देंगे और तीसरे में भी हम एक स्पून बटर ले लेंगे और उसके ऊपर भी हम इडली रख देंगे। तो ये सारे बर्गर हमने रख दिए और इसको अच्छे से पकाएंगे ताकि एकदम क्रिस्पी लगेगा। ऊपर से हम थोड़ा सा बटर लगा देंगे वापस और उसके बाद हम धीरे से इसको पलटाएंगे। तो आपको धीरे से पलटाना है, ध्यान से करना है। सारी बर्गर हम ऐसे ही घुमा देंगे। तो फ्रेंड्स एकदम बढ़िया और नई तरीके से आप बर्गर बना सकते हो, बच्चे को तो बहुत ही अच्छा लगता है आजकल बर्गर सब बच्चे को। तो वैसे ही आप एकदम सिंपल इंडियन तरीके से ये बना सकते हो फ्रेंड्स। इसको मैंने सर्व किया है, अभी इसके ऊपर हम टमाटर और मेयोनीज से गार्निश करेंगे। तो एकदम बढ़िया से लुक भी आएगा और खाने में भी टेस्टी है। अगर लुक अच्छा आता है तो बच्चे को भी खाने की इच्छा हो जाती है। हाँ, अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये इडली से बनाया है तो बच्चा बिल्कुल टेस्ट नहीं करेगा, तो आपको उसको पहले बताना नहीं है, बाद में ही बताना है आपको। और अभी बच्चे का नाश्ता एक रेडी हो गया है कि आप रात को इडली बना के रखो और सुबह में टिक्की बना के इसमें डाल दो और सर्व कर दो। तो फ्रेंड्स एकदम यम्मी टेस्टी ऐसे हमारे इडली बर्गर रेडी हो गया है फ्रेंड्स, आप ज़रूर से एक बार ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको कैसी लगी है ये रेसिपी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।